कोई भी ट्रिप या फिर वैकेशन जब कैंसिल होता है ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरा अभी तक कैंसिल तो नहीं हुआ है, पर पोस्टपोन ज़रूर हुआ है। तो कुछ इंसिडेंटों को देख के ना मुझे अब ये यकीन होने लगा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जैसे कल रात की बात ही देख लो, कल रात में ऐसे ही नॉर्मली मैं बैठे बैठे कुछ इन्फॉर्मेशन रिसर्च कर रहा था अपने अगले ट्रिप के बारे में, तो अचानक मैं वहाँ का टेम्परेचर चेक किया तो -2। तो अभी है मिड ऑफ सेप्टेम्बर, मेरी जर्नी जो है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में शुरू होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि कौन से लेवल वाला ठंडा जो है मुझे मिलने वाला है। तो देखो पहाड़ मतलब ही आप थोड़ा ठंडा एक्सपेक्ट करते हो, थोड़ा स्नोफॉल एक्सपेक्ट करते हो। तो जैसे मेरे पिछले सीरीज़ में आपने देखा होगा कि लेह में जाके मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हम दिन में कहीं पे निकल नहीं पा रहे थे। तो पहाड़ों से आप ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि नहीं, पहाड़ों पे जाते हो आपको पता है कि ठंडा होगा, वहाँ पे बर्फ़ होगी, थोड़ा स्नोफॉल होगा, यही सब आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ये सब देख के मुझे एक और बार यकीन हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अचानक से मुझे ऐसा लगा ना कि ऊपर वाला बोला कि तू अभी मत जा, यू डिज़र्व दिस, तो तुम इस महीने में जाओ। तो ऐसा लगा कुछ। खैर ये सब तो थी इमोशंस की बातें, असल में मेरे पास आज कोई टॉपिक या फिर कोई कंटेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं वीडियो का नाम वैसे ही रख दिया। वैसे आप भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं कमेंट में, अगर आपके साथ कहीं ऐसा हुआ है कि आपका ट्रिप कभी कैंसिल हुआ है, तो आपकी कौन सी ट्रिप कैंसिल हुई है, या फिर आपको कैसा लगा था बाद में ये फील हुआ कि आप मतलब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ या फिर जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये कहानी का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे और मैं सबकी कहानी पे फोकस करूँगा। इससे दो चीज़ होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको लगेगा कि चलो ये कहानी सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसे बहुतों के साथ हुआ है और बहुत जन का प्लान कैंसिल होता है, खाली मैं नहीं हूँ। दूसरा यह है कि ये देश विदेश की बीमारियाँ जो हर दिन हज़ारों बेगुनाहों की जान ले रही है, ये सब देख के हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो इससे क्या होगा, हम अनजान लोगों की अनकही बातें जान सकते हैं, अनजान लोगों की अनकही बातें जान सकते हैं। वाह, तो इससे ये होगा कि हम अनजान लोगों की अनकही बातें जान सकते हैं, उनके करीब आ सकते हैं और उनकी कहानी जान सकते हैं। क्या पता आपकी कहानी और किसी और की कहानी हूबहू एक हो जाए, या फिर आपको जानने का मौका मिले कि अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी ट्रिप कैंसिल होता है। तो आइए लिख डालते हैं अपनी घूमने ना जाने की कहानी आपके दोस्त देवराज और देसी ट्रैवलर के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो और आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है पर फिर भी आप लिखना चाहते हो, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि हर एक फैमिली में किसी ना किसी का कोई ना कोई ट्रिप कभी ना कभी तो कैंसिल हुआ ही होगा। तो चलिए मुझे इंतज़ार है आपकी कहानी का, होपफुली इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। करंट सिनारियों से अगर देखा जाए तो मेरा एक वीडियो ऑन एन एवरेज 50 लोग देखते हैं, अगर आधे लोग भी अपनी कहानी शेयर करते हैं तो 25 कहानियाँ होती है। क्या पता इन 25 कहानियों को देख के अगली बार बाकी 25 लोग अपनी कहानियाँ शेयर कर दें। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आप कहानी तो लिख ही सकते हैं, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। जय हिंद।